नमस्कार अन्ना, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी के स्टूडेंट के लिए सीएचईएन 120 का गैसेस स्टेट पार्ट टू लेके आई हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था वाटर गैस गैस किसे हम कहेंगे, उसके उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, जिसको हम कहते हैं आपका गैस सॉलिड लिक्विड और गैस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और गैस की कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो उसको गैस को गैस कहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन में आप पढ़ते थे जिनका आकार निश्चित होता है उनको ठोस कहते हैं, जिनका आकार अनिश्चित होता है गैस कहते हैं। तो बस वही है, उसी को थोड़ा डिफाइन करके बताया गया कि व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस या व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द गैसेस इन अ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हमारे गैस के मेन पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। तो हमने ये चीज गैसेस स्टेट के पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ गैस। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। आज पार्ट टू में डिस्कस करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ए गैस, गैस का प्रेशर क्या है। देखिए ये बहुत ही एनईपी के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि एनईपी आपका नया कोर्स स्टार्ट नया आपका स्टार्ट हुआ है, तो बहुत से बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता कि मैं क्या पढ़ू क्या नहीं पढ़ू, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एनईपी स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द प्रेशर ऑफ ए गैस, गैस का प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर ऑफ ए गैस मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एग्जर्टेड बाय ए गैस पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गैस किसे कहते हैं, जैसे कि एक बर्तन है एक वेसल है जिसमें गैस के पार्टिकल रखे जाएंगे, तो गैस के पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने गैस का पोस्टुलेट बताया था पार्ट फर्स्ट में। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा प्लीज पार्ट फर्स्ट देखिए, तब आपको गैस के पोस्टुलेट क्लियर जाएंगे। तथा मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि जिस बर्तन में रखा था उसके वॉल से टकरा के ये वापस आते हैं, यानी कि अपना अंदर इंटरनल प्रेशर भी डेवलप करते हैं, यानी कि इनका जो नेचर होता है इलास्टिक होता है। सिंपल वे में कहूंगी इनका बिहेवियर क्या होता है, इलास्टिक होता है। तो वही इसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं द प्रेशर ऑफ ए गैस। द प्रेशर ऑफ अ गैस मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एग्जर्टेड बाय ए गैस पर यूनिट एरिया, गैस पर यूनिट एरिया। अगर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर जो लग रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल, पर यूनिट एरिया पर लगने वाला गैस के द्वारा लगा हुआ प्रेशर। ऊपर से अगर गैस के द्वारा प्रेशर लग रहा है पर यूनिट एरिया में जो लग रहा है उसे हम कहेंगे गैस का प्रेशर। एंड एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ द लेयर ऑफ द गैस सराउंडिंग ए प्लेनेट और अदर क्रिस्टियन बॉडी। क्या कह रहा है, एन एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ द लेयर, जब एटमॉस्फेयर हम उसको रखते हैं इट मेड ऑफ द लेयर ऑफ द गैस सराउंडिंग ए प्लेनेट, प्लेनेट के सराउंडिंग गैस की क्या आती है एक लेयर जैसी लग जाती है, या क्रिस्टलाइन बॉडी को इस तरह की लेयर जैसी लग जाती है जिसे हम गैस का क्या कहते हैं प्रेशर कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जब सराउंडिंग में जब गैसेस हमारे आसपास गैसेस होती है उनका भी अपना एक प्रेशर होता है और वो हमारी बॉडी पे क्या लगाती है एक टाइप का विशेष प्रकार का प्रेशर फैलाती है। ठीक, द प्रेशर एग्जर्टेड एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, जो एयर कह रहे हैं हम, एयर का मतलब हवा से मतलब हमारा एटमॉस्फेयर, साइंस में हम एयर वाला पोर्शन को किस नाम से नॉमिनेट करते हैं एटमॉस्फेयर, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब गैस का एयर में यानी कि सराउंडिंग में जो परपेंडिकुलर हवा का प्रेशर लग रहा है सर्फेस पर, अर्थ के सर्फेस पर, सरफेस ऑफ द अर्थ, ये आपके अर्थ है, अर्थ की सरफेस पर परपेंडिकुलर जो प्रेशर लग रहा है इस प्रेशर को हम कौन से प्रेशर के नाम से जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हवा में जो प्रेशर है उस प्रेशर को हम कौन सा प्रेशर कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सिंपल एपरेटस दैट इज नोन एज द बैरोमीटर, हम इसको जो मेजर करते हैं सिंपल एपरेटस से करते हैं जिसको किस नाम से नोमिनेट करते हैं बैरोमीटर, जो कि डायग्राम ये है, ये हमारा बैरोमीटर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। क्या होता है बैरोमीटर, ये देखिए आपको एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ये क्या बनी हुई है मर्करी बनी हुई है और इस पर लगने वाला परपेंडिकुलर प्रेशर इससे फाइंड आउट कर रहा है। ये आपकी क्या बनी हुई है मर्करी बनी हुई है, ये आपका वैक्यूम पोर्शन है, इसके ये ग्लास ट्यूब है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो माना जाता है 760 mm माना जाता है, हम ये मान के चलते हैं जो स्टैंडर्ड एसटीपी जो कंडीशन होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है 760 mmHg 760 mmHg माना गया है, यानी कि वायुमंडलीय दाब को जो माना गया है 760 mmHg माना गया है, या उसको क्या कहते हैं 760 mmHg कहेंगे मर्करी के केस में, और सिंपल वे में 1 atmosphere, अगर एटमॉस्फेयर का केस लेके चलोगे तो उसका वो कितना माना गया है 1 atmosphere माना गया है। ठीक, इट कैन वेरी इजीली टू बी कंस्ट्रक्टेड ए ग्लास ट्यूब अबाउट 80 cm लेंथ ऑफ द क्लोथ एट वन एंड इज द फिल विद द मर्करी, ये सिंपली कंस्ट्रक्ट हो जाता है आपके एक 80 cm, ये क्या है देखिए वेरी इजीली कंस्ट्रक्टेड ग्लास ट्यूब अबाउट 80 cm लेंथ क्लोज एट द एंड फिल विद द मर्करी, ये आपका क्या है नीचे से बंद है और इससे फिल्ड आपका मर्करी से फिल्ड है। ठीक, द मर्करी लेवल ड्रॉप इन द ट्यूब एंड आफ्टर सम टाइम बिकम स्टेडी एट दिस स्टेज डाउनवर्ड द प्रेशर, कुछ देर बाद ये पूरी ऊपर तक भरा होता है, यहाँ पर मर्करी ऊपर भरी है यानी कि एक खाली वैसे भी है उसके अंदर मर्करी भरी है उसको उल्टा करके रख दिया। ठीक, ये आपका उल्टा करके रख दिया।
जब आपने देखा कुछ देर बाद देखा कि ऊपर वाले पोर्शन पे वैक्यूम आ गया, यानी कि मर्करी का लेवल थोड़ा सा क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। समटाइम बिकम स्टडी एट दिस स्टेज डाउनवर्ड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द कॉलम। तो इस समय ये इंडिकेटर है कि मर्करी लेवल के नीचे होने का मतलब है कि ऊपर से कुछ प्रेशर लगा है और वो कॉलम कह रहा है अपने लेवल से क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। इसका मतलब एट दिस स्टेज डाउनवर्ड प्रेशर एग्जर्टेड बाय द कॉलम ऑफ द मर्करी इन द ट्यूब एंड एग्जैक्टली बैलेंस बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब यह है कि इस कंडीशन में जो अंदर लगा हुआ प्रेशर है एग्जैक्टली बैलेंस बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किससे बैलेंस हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये वो कंडीशन है जिस समय ये अंदर जो मर्करी का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और इस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा होगा 760 mmHg शो हो रहा है। द हाइट ऑफ अ मर्करी कॉलम एट इज द ट्यूब इज द करस्पॉन्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस समय अगर इस मर्करी ट्यूब की हाइट कितनी है h सेंटीमीटर, अगर ये मान के चले ये मर्करी ट्यूब जो है आपकी, इसकी हाइट जो है हम मान के चले कि ये कितनी है h सेंटीमीटर है, ठीक। एंड द हाइट इज h अप्रोक्सीमेट 760 mmHg 76 सेंटीमीटर। इस समय ये 760 जो लगने वाला प्रेशर है 760 mmHg, कई लोग 760 mmHg कहते हैं और ये कहते हैं 76 सेंटीमीटर। 760 mmHg से मिलीमीटर मर्करी मर्करी, क्योंकि प्रेशर फाइंड किया जाता है मर्करी में, mm हो गया मिलीमीटर में, Hg मर्करी में फाइंड किया जाता है, या 76 सेंटीमीटर। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज द हाइट ऑफ द कॉलम राइज, व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम आल्सो डिक्रीजेस करस्पॉन्डिंग। तो हमारा ये जो सिचुएशन है, हमारी जो कंडीशन दिख रही है, इस समय इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, अगर इसकी हाइट बढ़ गई, मान लीजिए इसका लेवल ये था और यहाँ से ऊपर चले गया तो इसका लेवल बढ़ गया, तो यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। और ये तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिख रहा है, अगर इससे कम हो गया है तो इसका मतलब इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यही मैंने वो स्टेटमेंट में लिखवाया, देखिए, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज द हाइट ऑफ द कॉलम राइज, कॉलम की हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉलम नहीं बढ़ता, मर्करी का लेवल बढ़ता है एक्चुअली। जैसे कि आप लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा, पुराने टाइम में थर्मामीटर आते थे जो टेम्परेचर डाउन करने जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर अप्लाइड होता है बॉडी का। व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिक्रीज द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम आल्सो डिक्रीज करस्पॉन्डिंग। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मर्करी का कॉलम क्या हो जाएगा, हाइट क्या होगा, डिक्रीज होगा करस्पॉन्डिंग। दैट मीन्स देयरफॉर द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम इज द ट्यूब कैन बी टेकन एज मेजर्ड इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये क्या क्लियर हो रहा है कि मर्करी का लेवल डिक्रीज और इंक्रीज होना ही उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। सपोज एम इज द मास ऑफ द मर्करी कॉलम, मैंने हाइट बताई मर्करी कॉलम कितनी है, एच है, और मास उसका कितना है, मास क्या है आपका, मास ऑफ द मर्करी इज द एम, ठीक है। मास इज द मर्करी कॉलम इज द ट्यूब एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। उस पर जो परपेंडिकुलर प्रेशर लग रहा है ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल ए, ठीक। पी इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मर्करी कॉलम, देन उस समय ये जो प्रेशर लग रहा है उसमें प्रेशर क्या है आपका, पी इज द प्रेशर। क्या बात करी, ये जो कॉलम हमने, ये हमने डायग्राम शो कर रखा है, पिक्चर शो कर रखी है, इसमें इस कॉलम की हाइट कितनी है आपकी, एच है, मास इस समय कितना है, एम है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना है आपका, ए है, प्रेशर जो अप्लाइड हो रहा है परपेंडिकुलर को कितना है आपका, पी है, इस समय प्रेशर कितना अप्लाइड हो रहा है, पी है, ठीक। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम इसको अब हम फाइंड आउट करेंगे, हम प्रेशर फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए, तो हम जानते हैं P is equal to F upon A, pressure is equal to force upon area, B is equal to कितना होगा, F over A, यानी कि force upon area, pressure किसके equivalent होगा, force upon area के equivalent होगा, ठीक। And is equal to mass, और force किसके equivalent होता है, force is equal to F is equal to कितना होता है, M over M mass into acceleration, M into A, और ये area of cross section A, F is equal to M into A होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, एम इंटू जी अपॉन कितना हो गया ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ए की पोजीशन पर हम क्या लिख सकते हैं, जी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। देखिए लिखा दिया मैंने, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। इफ बी इज द वॉल्यूम ऑफ द मर्करी इन द ट्यूब एंड डी इज द डेंसिटी एंड एम इज द मास, ठीक है। अब आपको पता है m इक्वल टू किसके होता है, b इनटू d के इक्वल होता है, m इक्वल टू किसके इक्वल होता है, b इनटू d के इक्वल होता है, ठीक। तो m की पोजीशन में b इनटू d लिख दीजिए, m की पोजीशन में b इनटू d रखा है, ये हो गया आपका, आपका a
एम की पोजिशन आपने बी इंटू डी रखा आपने, तो आपका हो गया ए एच इंटू डी, ठीक है। जहां बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एच इज द हाइट और वैल्यू ऑफ एम, पुट इन द इक्वेशन वन। अब इस एम की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दिए। अगर डेंसिटी बी इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, एम इज द मास, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर वन बन चुकी है अभी ये रही, ठीक। तो हमें पता है एम इज इक्वल टू क्या हो गया, बी इंटू डी। मास क्या होता है, बी इंटू डी के इक्विवेलेंट होता है। तो अब एक काम करते हैं हम, इस हमारी इक्वेशन नंबर वन बनी है, एम की वैल्यू को हम इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि हमारा प्रेशर फाइंड आउट हो जाए, ठीक। तो हमारा पता है हमें बी इक्वल टू क्या होता है, बी वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। बी के स्केल हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू डी का डी, ठीक होगा। बी किसके इक्वल हो गया, आपका बी जो होता है ए इंटू एच के इक्वल होता है, तो ये भी ए इंटू एच के इक्वल होता है, इस वैल्यू को उठा के हम लोग कर दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ए एच इंटू डी किसके एम के इक्वल। सो वैल्यू ऑफ एम पुट इन द इक्वेशन वन, वैल्यू ऑफ एम पुट इन द इक्वेशन वन, ये देखिए वैल्यू ऑफ एम पुट इन द इक्वेशन वन, एम की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए। अब एम की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करते ही देखिए क्या आएगा आपका, वैल्यू ऑफ एम पुट इन इक्वेशन वन, तो क्या हो जाएगा पी, वैल्यू ऑफ एम पुट इन इक्वेशन वन का मतलब हो गया पी इज इक्वल टू, ठीक है, एम की जगह पर क्या हो गया ए इंटू एच इंटू जी इंटू डी। ए की जगह पर क्या, एम की जगह पर क्या था, ए इंटू एच इंटू जी इंटू डी, ठीक हो गया, और अपॉन ई, ए से ए कट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, पी इज इक्वल टू एच जी डी, पी इज इक्वल टू क्या बचा, एच जी डी, पी इज इक्वल टू एच जी डी। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन द हाइट ऑफ द सोन बाय द बैरोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इंटू एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द प्रॉपर यूनिट्स। ये मैंने आपको पहले ही बोला, जब जब इसको प्रेशर फाइंड किया जाता है, प्रेशर हमारा आता है एमएमएचजी में, ठीक, द बैरोमीटर, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम किस नाम से जानते हैं, बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। सो हाइट सोन बाय द बैरोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन प्रॉपर यूनिट। इस एटमॉस्फेरिक, ये हमारा प्रेशर की वैल्यू आ गई, पी इज इक्वल टू क्या होगा, एच डी जी हो गया, एच जी डी आपका वैल्यू आ गई, ठीक है। तो किसी भी गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे फाइंड किया जाएगा, पी इज इक्वल टू एच जी डी से फाइंड किया जाएगा, और उसको प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करने का, तो उसकी यूनिट क्या होती है, वन एटमॉस्फेयर न्यूटन पर मीटर के बेसिस पर होगी 101.325 इंटू 10^3 न्यूटन पर मीटर, ठीक, या पास्कल में कहेंगे तो 101.325 10^3 पास्कल में हो जाएगा, ठीक। अगर किलो पास्कल में कहेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करता है, देखिए 1000 से डिवाइड करते ये हट गया, तो 100.325 पास्कल के मीटर हो गई, ठीक। अब आपका डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन किस में है, पास्कल में है तो पास्कल में करेंगे, किलो पास्कल में तो किलो पास्कल में करेंगे, एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर करेंगे, या द अदर यूनिट ऑफ द प्रेशर इज टॉर, एक यूनिट और होती है इसकी, क्या होती है, टॉर या बार। टॉर भी क्या होता है, वन वन टॉर इज इक्वल टू वन एमएमएचजी, किसके इक्वल होता है, वन एमएमएचजी। मैंने अभी आपको बताया था प्रेशर को फाइंड किया जाता है एचजी में, एचजी के पीछे लॉजिक यह है, एचजी कोई यूनिट नहीं है, एचजी रिप्रेजेंटेशन करता है द प्रेशर शुड बी फाइंड इन टर्म्स ऑफ मर्करी, मर्करी में फाइंड किया जाता है प्रेशर हमारा, जो फाइंड किया जाता है आपको जो मैंने इंस्ट्रूमेंट दिखाया है ये इसके अंदर मर्करी भरी है, मैंने आपको बताया ना ये आपका इसके अंदर क्या भरी हुई है, मर्करी भरी है, तो क्योंकि जो प्रेशर का फाइंड होता है मर्करी में होता है, इसलिए हम वन एम एम एच जी, वन एक टॉर्क इसके होता है वन एम एम एच जी, या बार के रूप में कहेंगे तो वन बार 10^5 पास्कल, अगर बार और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करनी होगी, बार और प्रेशर के बीच में क्या होगा, वन बार इक्वल टू 10^5। तो ये आपकी बेसिकली ये इसकी यूनिट थी जिसकी वजह से हम किसी भी गैस का प्रेशर फाइंड करते हैं। देखिए ये यूनिट का याद करना बहुत जरूरी है, एटमॉस्फेयर और एच जी, वन एटमॉस्फेयर और वन एमएमएचजी, दोनों एक ही बात होती है, दोनों इक्वल होते हैं, पास्कल में याद करना पड़ेगा, न्यूटन में होगा तो 10^3 होगा, सिर्फ न्यूटन पर मीटर में 10^3 होगा, पास्कल होगा तो 10^3 होगा, और किलो पास्कल होगा तो पास्कल जब समझ में आ गया तो किलो पास्कल का मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे, आपने इसको 1000 से डिवाइड किया तो 100.325 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको अगर बार में निकालना है तो 1 बार 10^5 पास्कल के इक्वल हो गया, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये पहला मेथड था किसी भी गैस का प्रेशर फाइंड करना था, ये था आपका सेकंड पार्ट गैसेस स्टेट का। अब आप इसमें न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं कि कैसे किसी गैस का प्रेशर फाइंड करेंगे, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे पी इज इक्वल टू एच डी जी, पी इज इक्वल टू एच डी जी हमारा जो फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू एच डी जी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, प्रेशर फाइंड करना होगा, हाइट दे रखी होगी आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू दे रखी होगी, डेंसिटी दे रही होगी, या तीनों की वैल्यू रखेंगे, आपका प्रेशर फाइंड हो जाएगा, किसी भी गैस का क्या हो जाएगा, प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक मेथड टू फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ द एनी गैसेस इन केस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ आपका, इसके बाद इससे रिलेटेड आगे टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट होगी। थैंक यू।